इस समय मैं जम्मू के तवी ब्रिज के ऊपर हूं और तवी ब्रिज से अगर आप माता बावे वाली का दरबार देखें तो आज धुंध की वजह से बिल्कुल भी माता बावे वाली जी का दरबार नहीं नजर आ रहा है। हालांकि पिछले एक दो दिनों से काफी जो है मौसम ठीक था, लेकिन आज दोपहर बाद से ही मौसम जो है काफी ज्यादा सर्दी वाला हो चुका है और आप देखेंगे कि जम्मू में धुंध पड़ चुकी है। इसलिए मेरी लोगों से भी अपील है कि धुंध के मौसम में एक्सीडेंट होने के खतरे होते हैं, कृपया करके गाड़ी आहिस्ता चलाइए और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, पार्किंग लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। और आप देखेंगे इस समय ये सामने माँ बावे वाली जी का दरबार है, लेकिन धुंध के कारण बिल्कुल भी अभी जो है यहाँ पर आप माता बावे वाली जी का दरबार नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि आप इस वीडियो के ऊपर जय माता दी जरूर लिख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि धुंध काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और जम्मू के अंदर इस समय अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी हो रही है। और आप देखेंगे दूसरा ब्रिज भी जो है यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा इस समय फॉग हो चुकी है। और मेरी लोगों से अपील भी है कि आप लोग बाहर निकलें तो पूरी तरह से कवर होके निकलिए, क्योंकि इस समय इस मौसम में जो है बीमार होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और तेज़ सर्द हवाएं चल रही होती हैं। अगर हम ब्रिज के ऊपर अगर इस समय आप अगर इस वीडियो को देख भी रहे होंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी जो है धुंध इस समय देखने को मिल रही है और जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं पूरी तरह से कवर्ड होकर भी जो है आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो हमारे कश्मीर से भी लोग आकर जम्मू में इस सर्दी के मौसम में अपना व्यापार चलाते हैं, अपना कामकाज करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इनका भी यही सर्दी में एक दो महीने होते हैं जब ये आकर कोई जैकेट या फिर गर्म कपड़े जम्मू में आके बेचते हैं, तो यही टाइम इनके लिए भी रहता है क्योंकि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फबारी पड़ी होती है, तो इनके लिए जम्मू में भी इस समय जो है कुछ छोटा मोटा काम चलता रहता है। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इन लोगों से भी सामान खरीदें, चाहे कोई जैकेट्स लेते हैं, कोई गर्म कपड़े लेते हैं, तो इन लोगों का भी जो है रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आजाद मीर। मीर साहब कहाँ के रहने वाले हैं? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा, कुलगाम के रहने वाले, साउथ कश्मीर के। हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक चल रहा है, गुजारा यहाँ पर हो जाता है? माड़ा मोड़ तो चल जाता है, घर से अच्छा है, सर्दी से बच जाते हैं। अभी तो वहाँ काफी बर्फबारी हुई होगी? अभी बर्फ नहीं, उतना है अभी, उतना नहीं, नॉर्मल है। तो हर सर्दियों में आते हो जम्मू? हर सर्दी में, हर सर्दी में। अब कितने महीने काम करना है? बस यही 3 महीने। 3 महीने? हाँ जी। तो यही ये अपना, आपने क्या क्या रखा हुआ? जैकेट्स हैं? जिपर, जिपर है। अच्छा, जिपर है और लोअर भी है? हाँ जी, हाँ जी। गर्म कपड़े रखे? गर्म, गर्म, गर्म। कितने कितने का देते हो जिपर? 100 रुपए का। बस बस, सस्ता है, नॉर्मल रेट है ना। देखो जरा ये जिपर है, 100 रुपए का है। चलो, जो लोग बड़े बड़े शोरूमों में जाकर नहीं सामान खरीद सकते वो इनके पास आकर भी ले सकते हैं और अच्छा सामान होता है। मैं अगर और भी सामान और दिखाओ ना, कोई अच्छा जिपर दिखाओ कोई। ये भी बढ़िया जिपर है, ये बढ़िया है। ये सभी 100 के? ये भी 100 का। कोई जो मर्जी ले लो। और ये लोअर? ये भी 100 का। ये भी 100 का, बहुत अच्छा जी। ये सभी 100-100 रुपए के ही है। आते हैं लोग, खरीदते हैं भैया? खरीदते हैं, खरीदते हैं, खरीदते हैं। आज कुछ बोनी हुआ? नहीं नहीं, 5-10 पीस भेजे। 5-10 पीस बेचे, चलो भगवान का शुक्र है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? आपके 2-4 लड़के हैं, बाप है, घर वाले। लड़के हैं? हाँ जी। क्या करते हैं लड़के? पढ़ाई कर रहे हैं? वो पढ़ते हैं अभी, पढ़ाता है। हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन सी क्लास में है वो? अभी 4th में एक है, और 3rd, 4th में एक, 3rd में एक, 2nd में। हाँ जी। और चौथा अभी जा रहा है, जा रहा है। तो क्या सोचा है, क्या बनाएंगे बच्चों को? बच्चों को पढ़ा लिखा कुछ बनाएंगे। अच्छा, अगर ऊपर वाले की चाहत हो, बस यही दुआ है। चलो बड़ा अच्छा है। तो कश्मीर में क्या काम करते हैं? कश्मीर अपना जमींदारी है। जमींदारी है, काम है। तो अभी सर्दी में तो बर्फ हो जाता है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। तो अब इससे ये खर्चा घर भी भेजते हो? भेजते हैं, अभी भेजा, अभी भेजा, अभी 2-3 हजार भेजे। घर वालों से बात हुई? बात हुई। क्या कहते हैं, ठीक है, खुश है? खुश है। यहाँ पर ठीक चलता है? ठीक चलता है, अच्छा चलता है। जम्मू के लोग प्यार करते हैं? प्यार करते, हमारे से ठीक ही चला अभी तक, ठीक है सभी। हाँ जी, चलो अच्छा, बहुत अच्छा। मोहम्मद मीर साहब नाम बताया आपने? मोहम्मद आजाद मीर। मोहम्मद आजाद मीर,
और रहने वाले हैं कुलगाम नागाम नूराबाद कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, हमारा साउथ कश्मीर, वहाँ के रहने वाले हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखो और सस्ते कपड़े बेचो। 100 रुपए का है जिपर और 100 रुपए का ये लोअर है, और कुलगाम के रहने वाले 4 इनके भी बच्चे हैं, उनका पेट पाल रहे हैं और उनको पढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखो खुद चाहे नहीं पढ़ पाए ये काम कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ा रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, और बच्चों को पढ़ा के उनको आगे कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो फिलहाल मेरी एक छोटी सी वीडियो इसीलिए है कि आपको जब भी कहीं पर भी ये लोग मिलें तो इनका थोड़ा रोजी रोटी चलनी चाहिए, इनसे आप चीज़ें खरीदें, चाहे वो जैकेट्स खरीद लें, कुछ खरीदें। देखिए आप बड़े बड़े शोरूमों में तो जाते ही हैं, लेकिन इनसे भी कभी सामान लेकर देखें, अच्छा सामान होता है, गर्म सामान होता है और सस्ता भी है। देखते रहें जेके मीडिया, काफ़ी धुंध हो चुकी है, गाड़ी आहिस्ता चलाइए और कवर होके निकलिए। जैसे अभी ये देखो आप छोटा बच्चा है, अच्छे से इसने कैप वगैरह लगाई है, और कैप वगैरह बच्चों को जरूर डालिए क्योंकि सर्दी काफी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तला। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। वेरी गुड। कौन सा स्कूल में हो? कौन सा स्कूल है बताओ? स्कूल का नाम पता है? सरकारी स्कूल। कहाँ रहते, कहाँ हो? कश्मीर में। इधर मुंह करो ना यार, कश्मीर में रहते हो? अच्छा, स्कूल में कुछ पढ़ाया, कुछ आता है? कुछ आता है? क्या सिखाया स्कूल में? बताओ ना। जॉनी जॉनी आता है? अच्छा, अब तो फिर मैं साथ ही बैठता हूँ। सुनाओ अब जॉनी जॉनी सुनाओ। अच्छा, वेरी गुड। ओपन योर माउथ, हा हा हा। ये किसने सिखाया आपको? किसने सिखाया? टीचर ने। क्या नाम है टीचर का? है, थोड़ा जोर से बोलना यार। क्या? अल्ताफ सर। अच्छा, वेरी गुड। कौन से सर? अशरफ सर। अच्छा, अशरफ सर ने सिखाया जॉनी जॉनी, ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद तलहा है ये, और कश्मीर का रहने वाला है, और जॉनी जॉनी बड़ा अच्छा सुनाया इसने। अब जब नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो बड़ा हो गया होगा, तब तक और कुछ भी सुनेंगे इनसे। तो आप लोग इकट्ठे हैं, ये आपका क्या लगता है? ये मेरी बेटी का बच्चा है। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बनिहाल के रहने वाले। अच्छा, बनिहाल से हैं। आप लोग भी एक साथ हैं, बात करें। अच्छा, ये मम्मा और ये मेरी छोटी सिस्टर है। अच्छा, तो ये क्या लगता है आपके? सिस्टर का बेबी है ये। अच्छा, तो अभी थोड़ा घूमने निकले हो? हाँ, बस घूमने निकले थे, लेकिन अभी बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा फॉग बहुत ज्यादा है, तो अच्छा लग रहा है। लोग भी बनिहाल से? हाँ, पापा है तो पापा बनिहाल से है। हाँ जी, चलो बहुत अच्छा। ओके बेटा, बाय, हैंडशेक करें, बाय। और कुछ आता है जॉनी जॉनी के अलावा? और क्या आता है? ट्विंकल ट्विंकल आता है? वो भी सुना दो यार। ट्विंकल ट्विंकल सितार, हाउ यू वंडर व्हाट यू अब आधा वर्ष आई लाइक एन डायमंड इन द स्काई। वेरी गुड, सभी क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बाय बाय बाय, शुक्रिया। तो ये छोटा सा बच्चा, और देखो कितना अच्छा इसे टीचर ने सिखाया, मोहम्मद अशरफ सर इनके, जिन्होंने जॉनी जॉनी यस पापा सुनाया जिसने हमें। तो चलिए फिलहाल सर्दी के इस मौसम में अपना ध्यान रखें, बच्चों को बाहर लेकर आते हैं तो पूरी तरह से कवर्ड करके लाएं, कैप वगैरह डाल के लाएं, और एक बार फिर से आप दर्शन करें माता बावे वाली जी के, क्योंकि मौसम इस समय बहुत ठंडा है, ठंडे मौसम में बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से कवर्ड होके निकलिए, और फॉग में गाड़ी आहिस्ता चलाइए। धन्यवाद सभी को, राम राम।